इस वक्त एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ समय के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार चल रहा था उसे कुछ समय के लिए रोका गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। आनंद जो कि स्थानीय पत्रकार है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या वजह है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों रोका गया है? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन समय से चल रहा था, लेकिन जितने भी लोग आर्मी के जवान थे, जिला प्रशासन के लोग थे और एनडीआरएफ के लोग थे, उन्हें पानी और थोड़ा नष्ट होने का समय दिया गया है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही आनंद, आप जो कह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हम। जरा दोबारा से बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों रोका गया? जी, कुछ देर के लिए विराम लिया गया है, उसके बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और जिला प्रशासन और यहाँ के जिलाधिकारी लगातार। नहीं तो ये नेटवर्क के इशू है वहां पर, जो कि लगातार हम आपको बता भी रहे थे, नेटवर्क भी एक बाधा थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन जो स्थानीय पत्रकार आनंद कह रहे हैं, जितना हम समझ पाए वो ये कि कुछ विश्राम देने के लिए, कुछ वक्त का रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक 19 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। झारखंड के देवघर में अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसे कुछ देर के लिए रोका गया है। प्रकाश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका एक बार मैं रुक करना चाहूंगी। प्रकाश, जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर के लिए रोका गया है, अगर कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है तो, जैसे कि हम कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एक एक मिनट कीमती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका जाना और शाम ढलने से पहले पहले रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाना बड़ा चैलेंजिंग है ये सब। बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं या पूरी दुनिया देख रही है वो है सुबह पौ फटने के बाद की तैयारी, बाद के जो ऑपरेशन शुरू किया गया है वो। लेकिन आप ये भी जानिए कि जब उनको सूचना मिली होगी रात में कि यहाँ चलना है, तो उनकी तैयारी इस तरह से होती है कि वो लंबा वक्त लगता है। आप समझिए कि कल रात से या देर सुबह से अर्ली मॉर्निंग ये लोग जो है शुरुआत किए होंगे, फिर वो जगह पहुंचे होंगे, तो काफ़ी थकान होता है इस रास्ते में और तमाम जो जानकारियां जुटाई जाती हैं, तो एक तरह से ये टाइम टेकिंग है, ये समय लेता है। ये अचानक आप, क्योंकि ये सावधानी बरतनी है, आप हड़बड़ी में कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे कि कुछ गड़बड़ हो जाए, और वो बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा डिसिप्लिन होता है इनके पास कि अगर वो जान जोखिम में डाल करके किसी को निकाल रहे हैं तो ये भी देखना होगा कि उन्हें थोड़ी आराम की, थोड़ी पानी पीने की, थोड़ी देर रुकने की, ताकि वो फिर से एनर्जी, फिर से वो ताकत वो ला सकें। और जो दूसरा टीम जो इंतजार कर रहा है, क्योंकि लगातार हर टीम एक साथ काम नहीं कर रहा है, उनके सहयोगी जो होते हैं उनको फिर उस काम पे लगाना, उस मिशन पे लगाना, ताकि जो काम रुका हुआ पहले जिक्र कर रहे थे प्रकाश की, कुछ एसओपीज भी होती है जिसको फॉलो किया जाता है और उसी के तहत फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव कार्य को यहाँ पर रोका गया है। और इस बीच वो लोग जिन्हें अभी तक सुरक्षित निकाला गया है, उनकी जो सुरक्षित बाहर आने के बाद वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं। डर सा महसूस हो रहा था, हाँ, लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे, हाँ, इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे, हाँ, और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे, समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था, हाँ, हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे बचा नहीं, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी डर सा लग महसूस हो रहा था, हाँ, जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं नहीं बचेंगे, हाँ, दो बार हेलीकॉप्टर का जवान डर चला गया, हाँ, हम लोग सोच में पड़ गए थे, हाँ, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबके कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके केबिन में कितने लोग थे? चार आदमी थे मेरे केबिन, चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं, हाँ, और आदमी निकल ले तब तक सर हमको लेके इधर आ गए, हाँ, कहाँ गए? तो बचाए गए पर्यटकों को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उन्हें लग भी रहा था कि वो बचेंगे या नहीं, और ये लगातार डर बना हुआ था क्योंकि एक रात उन्होंने बिताई है इसी केबल कार के भीतर और इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अब तक कुल 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका गया है। और इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और
जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। तो इस वक्त प्राथमिकता ऐसी बात की कि किसी तरीके से सुरक्षित उन तमाम लोगों को निकाल लिया जाए जो अभी भी हवा में झूल रहे हैं, इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। कुल 12 ट्रॉली थी जिसमें 48 लोग फंसे हुए थे और अब धीरे धीरे कर आज सुबह 5:30 बजे से जब से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया गया है 19 लोगों को अभी तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन मुश्किल ये कि अभी भी 29 लोग फंसे हुए हैं और शाम ढलने से पहले पहले इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है।